अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग, अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग दोनों सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का वैलिडेशन टेस्टिंग है। लेट्स सी अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग तब यूज होती है जब हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज ही नहीं हुआ, जब हमने कस्टमर को हमारा सॉफ्टवेयर दिया ही नहीं, डिलीवरी नहीं किया, उससे पहले अल्फा टेस्टिंग यूज होती है। अल्फा टेस्टिंग ऑलवेज टेस्टर या डेवलपर के थ्रू, या जो जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है या उसकी टीम है, उसके द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। अल्फा टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर की क्वालिटी चेक की जाती है, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस चेक किया जाता है, और ऑलवेज डेवलपर या टेस्टर अल्फा टेस्ट यूज करते हैं। अल्फा टेस्ट के लिए हमें लॉन्ग एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए, मीन्स कि अल्फा टेस्ट हमें परफॉर्म करना हो तो हमें हमारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ही टेस्टर या डेवलपर को बुला के करवाना होगा। इस टेस्ट में हमें सॉफ्टवेयर की पूरी सॉफ्टवेयर क्वालिटी चेक करनी होती है, मीन्स कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर रन होता है तो उसमें कोई क्वालिटी चेंजेस आता है या नहीं होता है, जब हम सॉफ्टवेयर को किसी भी टाइम पे ऑपरेट करें तो उसकी क्वालिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें अल्फा टेस्टिंग, जब हमारा सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज नहीं हुई या कस्टमर को डिलीवर नहीं हुई, उससे पहले ही हमें दे देता है। उसके कुछ एडवांटेजेस है, बट एक ये भी है, अल्फा टेस्टिंग करने के लिए हमें बहुत लंबा टाइम चाहिए। एडवांटेजेस, अल्फा टेस्टिंग की मदद से हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं बिफोर द रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर या डिलीवरिंग द सॉफ्टवेयर, क्योंकि बिकॉज हमें अल्फा टेस्टिंग की हुई है इसीलिए हमें पता है कि कौन कौन सी एरर आ सकती है, कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो इसीलिए बिफोर द डिलीवरी या बिफोर द लॉन्च हम अल्फा टेस्ट से हमारे सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट की कौन कौन सी एरर है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि अल्फा टेस्ट हमें परफॉर्म करवाना हो तो लॉन्ग टाइम चाहिए, और अल्फा टेस्टिंग करने के लिए एक स्पेसिफिक लैब एनवायरनमेंट चाहिए जिसके लिए हमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सपोर्ट दोनों की ज़रूरत है, जो समटाइम कॉस्टली भी हो जाता है। लेट्स डू बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग तब परफॉर्म होता है जब हमारा सॉफ्टवेयर या हमारी प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी रिलीज हो, और ये टेस्टिंग ऑलवेज एंड यूजर ही परफॉर्म करता है। ये टेस्टिंग कभी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपर के टेस्टर कभी भी ये सॉफ्टवेयर ये टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करते। बीटा टेस्टिंग से हमें ये पता चलता है कि हमने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है ये बेटर यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, यूजर साइड से कोई प्रॉब्लम है या नहीं हो रही है, यूजर को प्रॉपर एनवायरमेंट या प्रॉपर क्वालिटी मिलती या नहीं मिलती, ये सारी चीज़ें हमें बीटा टेस्टिंग बताता है। बीटा टेस्टिंग करते टाइम ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी डेवलपर या टेस्टर इन्वॉल्व नहीं होता। बीटा टेस्टिंग में जो भी यूजर का आउटपुट है या यूजर का फीडबैक है वो कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद ही कोई चेंजेस हो तो हमको करने पड़ते हैं। बीटा टेस्टिंग की मदद से हम सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने हमारा सॉफ्टवेयर पहले ही लॉन्च कर दिया है तो उसको सिक्योरिटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बीटा टेस्टिंग में आती है। बीटा टेस्टिंग के लिए हमें कोई स्पेसिफिक लैब एनवायरनमेंट नहीं चाहिए और उसकी कोई कॉस्ट भी नहीं है, और बीटा टेस्टिंग के लिए इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। लेट्स डू एडवांटेजेस ऑफ बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग कैन रिड्यूस द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फेलियर रिस्क आफ्टर द रिलीज द प्रोडक्ट, क्योंकि बीटा टेस्टिंग हम करते हैं तब वो जब हम मार्केट में लॉन्च करते हैं तो समटाइम वो हमारे प्रोडक्ट का रिस्क भी रिड्यूस कर देता है। बीटा टेस्टिंग की मदद से हम यूजर का फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम हमारी प्रोडक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है, कई बार ऐसा होता है कि यूजर का डेटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो समटाइम ऐसा भी होता है हमारे सिस्टम पे कोई अटैक होता है या सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू आता है, और समटाइम यूजर के पास से हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना भी मिले, क्योंकि यूजर को प्रॉपर सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज ना हो तो यूजर हमें प्रॉपर आउटपुट या प्रॉपर फीडबैक नहीं दे सकता।